समस्त शास्त्रों वेदों का ये उद्घोष है कि बिना गुरु की सहायता के, बिना गुरु की शरण में गए कोई भी जीव कभी भगवान तक नहीं पहुंच सकता। गुरु की शरण में जाना अनिवार्य है, वो चाहे कोई हो, करोड़ों साधन कर ले अन्य, लेकिन बिना सद्गुरु शरणागति के किसी जीव का ईश्वरीय लक्ष्य हल नहीं हो सकता। गौरांग महाप्रभु कहते हैं, भ्रमिते भ्रमिते यदि साधु वैद्य पाए, तार उपदेश मंत्रे पिशाची पलाए। वो कहते हैं जब कभी 84 लाख में भ्रमण करते करते, दुख भोगते भोगते किसी जीव को साधु वैद्य पाए, सद्गुरु रूपी डॉक्टर मिल जाए, तो तार उपदेश मंत्रे वो सही सही डॉक्टर मिल जाए, सही सही सद्गुरु, और हम इस बात को मान लें कि वो सही डॉक्टर है, तो जो दवा वो बताए श्रद्धा पूर्वक उस दवा का सेवन करें, तो तार उपदेश मंत्रे फिर वो जो तत्व ज्ञान कराएगा गुरु, तो उससे फिर माया चली जाएगी, पिशाची पलाए, माया रूपी डाकिनी भाग जाएगी, फिर वो नहीं ठहर सकती। फिर कहते हैं गौरांग महाप्रभु, साधु संग सर्व शास्त्र कहे। वो कहते हैं अरे कौन सा ऐसा शास्त्र है जो बिना सद्गुरु शरणागति के भगवान तक पहुंचने की बात करता हो। अरे सारे शास्त्र यही कहते हैं कि बिना गुरु की शरणागति के काम नहीं बनेगा। फिर कहते हैं महाप्रभु जी, भक्त पद धूली अरु भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशिष्ट तिन महाबल, ए तिन सेवा है ते कृष्णे प्रेमा होय। भक्त पद धूली, महापुरुषों की चरण रज प्राप्त हो जाए, उस रज का उस धूलि का हम श्रद्धा पूर्वक सेवन करें, उससे अभिषेक करें, उसे अपने शीश पर लगाएं, और भक्त पद जल, महापुरुष का चरणामृत मिल जाए, गुरु के चरणों का धोवन मिल जाए, और भक्त भुक्त अवशिष्ट गुरु का प्रसाद मिल जाए, उच्छिष्ट प्रसाद। श्रद्धा पूर्वक कोई जीव इनका सेवन करे तो भगवत प्रेम प्राप्त हो जाए, फिर उसे और कोई साधना करने की आवश्यकता नहीं। गुरु चरण कमल बलिहार, गुरु पर तन मन धनवार, गुरु चरण धूरी सिर धार, गुरु महिमा अपरम। सद्गुरु की महिमा अपरंपार है। अगर कोई जीव बारंबार
उनकी चरण धूल का सेवन करे, तन मन धन से उनकी सेवा करे, तो उसे सब कुछ प्राप्त हो जाए। कृष्ण भक्ति जन्म मूल होए साधु संग। महाप्रभु जी बता रहे हैं कि भगवान की भक्ति ये हृदय में कैसे उत्पन्न होगी। कृष्ण भक्ति जन्म मूल होए साधु संग, सत्संगति से, सद्गुरु की शरणागति से ही। अगर वो शरणागति नहीं है तो अपने करोड़ों साधन कर लो, बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तभु ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। वो कहते हैं कितना ये भजन कीर्तन करते रहो, अन्य साधन करते रहो, लेकिन बिना सद्गुरु शरणागति के भक्ति महादेवी का प्राकट्य नहीं हो सकता, भगवत प्रेम नहीं मिल सकता किसी को। नारद भक्ति सूत्र में प्रश्न किया गया, कस्तरति मायाम, माया से कौन पार पा सकता है, कौन तर सकता है माया से, माया को कौन जीत सकता है। उत्तर दिया गया, यो महानुभावम सेवते, जो महापुरुष की, गुरु की सेवा करेगा वो इस माया से उत्तीर्ण हो सकता है, और कोई उपाय नहीं है। भगवान कहते हैं भागवत में स्वयं, मत स्मृति ही साधु सेवया। अरे बिना गुरु की सेवा के मेरा स्मरण भी नहीं हो सकता किसी जीव को। सतगुरु की शरणागति करनी होगी, उनकी सेवा करनी होगी। श्री गुरु चरणों में गोविंद राधे, तन मन धन अर्पण करवा दे। तन मन धन से, हर प्रकार से हम उनकी सेवा करें। गुरु पद सेवा करो गोविंद राधे, तो क्या होगा? गुरु पद सेवा प्रेम मेवा दिला दे। श्रद्धा पूर्वक सद्गुरु की सेवा करने से दिव्य प्रेम रूपी मेवा प्राप्त होता है, वो फल प्राप्त होता है। तो बिना गुरु की शरणागति के कुछ नहीं हो सकता। वो कितनी ही बड़ी स्टेज पर पहुंच जाए जीव, भागवत में कहा गया, विजित ऋषिक वायु भिरदांत मनस्तुरगम, 10:87-33। कोई जीव इंद्रियों पर पूर्ण कंट्रोल कर ले, 5 प्राणों पर भी कंट्रोल कर ले, वायु भी ही, इतना बड़ा योगीश्वर भी कोई हो, लेकिन बिना गुरु की शरणागति के वो भी लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता, माया को नहीं जीत सकता।
तुलसीदास जी कहते हैं, कर्णधार बिनु जिमी जल जानू। जैसे कोई नाव वो उस नदी में या समुद्र में जब तूफान आ रहा हो, ऐसे तूफान में कोई नाव छोड़ दी जाए बिना किसी मल्लाह के, नाविक के, तो उस नाव की क्या गति होती। तूफान में फंसी है वो नाव, कभी इधर कभी उधर डगमगाती है, बिना नाविक के वो नहीं संभल सकती। ऐसे ही बिना सद्गुरु के कोई जीव इस माया से पार नहीं पा सकता। गुरुदेव शरण में आई, अब तो लो मोहि अपनाई, भव सागर थाह न पाई, गुरु ने भव सिंधु सुखाई।